1 2 3 4 इस तरह से नंबर डाले गए थे। उसके बाद इसे दिल्ली से उखाड़ लिया गया था। उसके बाद इसको यहाँ पर डिग प्लेस के अंदर लाया गया था और यहाँ पर इसे दोबारा से असेंबल किया गया था। देखिए ये है यहाँ का गीजर सिस्टम। 200 साल पहले यहाँ पर भट्टी के अंदर कोयले जलाए जाते थे, उसके अंदर इस बॉयलर के अंदर पानी गर्म होता था। बॉयलर में पानी गर्म करने के बाद ये ऊपर जाता था पाइप के थ्रू, और उसके बाद ये वॉशरूम के अंदर, राजाओं के वॉशरूम वगैरह के अंदर यूज़ होता था। और इस तरह के यहाँ पर दो गीजर सिस्टम लगे हुए हैं, एक इस साइड में और एक दूसरी साइड में। मुगलों का उस टाइम का यह मदरसा हुआ करता था उनके बच्चों का, तो इस मदरसे को दिल्ली से लाकर यहाँ पर असेंबल किया गया था। पूरे पीसेस पर नंबर डाले गए, उसके बाद इसको वहाँ से उखाड़ा गया, उसके बाद उन्हीं नंबरिंग के हिसाब से इसको यहाँ लाकर असेंबल कर दिया गया। आज मैं हूँ राजस्थान के डीग शहर के अंदर, और मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है डीग पैलेस। और इसके अंदर बताया जाता है इसके अंदर जो है 2000 फाउंटेन है, ये फाउंटेन पैलेस भी कहा जाता है। और ये पैलेस बनवाया था महाराजा सूरजमल जाट ने बनवाया था, यहाँ पर ही जाटों के मेन पैलेस बने हुए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से देखते हैं ये पैलेस कैसा बना हुआ है और यहाँ पर फाउंटेन सिस्टम कैसा था वो भी देखते हैं। तो चलिए आ जाइए इसके अंदर चलते हैं। तो यह है नूरजहाँ का झूला, और महाराजा जवाहर सिंह ने जब दिल्ली पर हमला किया था तो वो दिल्ली से इसको लेकर आए थे और यहाँ का शिफ्ट किया था। और इसको जो है इंटरलॉक के द्वारा शिफ्ट किया गया था। बताया जाता है कि जब उसको वहाँ से लाया गया था तो इन पत्थरों के ऊपर नंबर डाले गए थे। जैसे एक पत्थर का पार्ट ये है और एक पत्थर का पार्ट ये है, तो इनमें 1 2 3 4 इस तरह से नंबर डाले गए थे। उसके बाद इसे दिल्ली से उखाड़ लिया गया था। उसके बाद इसको यहाँ पर डिग प्लेस के अंदर लाया गया था और यहाँ पर इसे दोबारा से असेंबल किया गया था। तो ये जैसे महाराजा जवाहर सिंह लाए थे जब दिल्ली पर उन्होंने हमला किया था, तो जीत के उपलक्ष्य में उसको यहाँ पर लाया गया था और यहाँ पर डिग प्लेस के अंदर इसको असेंबल किया गया था। देखिए दोस्तों ये है रूप सागर, ये रूप सागर है, और रूप सागर के बराबर में अगर आप देखोगे तो ये बना हुआ है केशव भवन। ये राजा का पर्सनल मीटिंग हॉल हुआ करता था, और इसके अंदर जो है बगैर पर्दों के पर्सनल मीटिंग की जाती थी, मतलब कि पानी के इसके अंदर पर्दे बनाए जाते थे। तो आज ये मैं समझाता हूँ कैसे बनाए जाते थे। तो यहाँ पर देखो ये पूरे फाउंटेन लगे हुए हैं, ये पूरे फाउंटेन हैं। और आगे अगर आप देखोगे आगे की साइड में जो छोटे छोटे आपको ये छेद दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह पर होल से दिखाई दे रहे हैं, ये बताया जाता है 300 से 350 यहाँ पर ये होल है। और ये जो है ये छोटे वाले फाउंटेन है, और इसके अंदर क्या होता था कि इसके अंदर जो है कलरफुल पानी चला करता था। तो जब राजा यहाँ पर अंदर बैठा करते थे किसी अपने पर्सनल इंसान के साथ, किसी पर्सनल मंत्री के साथ, या कोई भी पर्सनल मीटिंग करनी होती थी पर्दे के अंदर, तो ये वाले फाउंटेन चलते रहते थे और ये कलरफुल फाउंटेन होते थे। इसकी वजह से क्या होता था कि अंदर कौन बैठा है ये बाहर से दिखाई नहीं देता था पानी के वजह से, क्योंकि पानी जो था कलरफुल होता था और ये पूरा ऊपर तक जाता था। ऊपर जाने की वजह से ये बिल्कुल पर्दे की तरह दिखाई देता था। और इसकी जो छत है डुअल छत है, डुअल छत होने की वजह से क्या था कि इसके ऊपर जो थी मेटल की बॉल लगी हुई हैं ऊपर की तरफ, तो जब पानी ऊपर से इस पर आता था तो वो मेटल की बॉल पानी के प्रेशर से हिलती थी, और पानी के प्रेशर से हिलने की वजह से वो गड़गड़ाहट करती थी जैसे बादल गड़गड़ाते वो। तो इसी तरह से यहाँ पर साउंड होता था बारिश वाला। और जब पूरे पिलर देख रहे हैं खोखले पिलर हैं, उसके अंदर जो है अष्ट धातु मतलब 8 मेटल के पाइप पड़े हुए हैं, उनसे इनका पानी जो है यहाँ पर आता था। और इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू वो सारा पानी इस पार्क में चला जाता था, जिससे वो सारा पानी वेस्ट ना हो। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वाइट संगमरमर से बनी हुई, और इसके अंदर जो है ये एक ही बिल्डिंग है जो पूरी वाइट संगमरमर से बनी हुई है। वो इसलिए बनी हुई है जब महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर हमला किया था तो इस पूरी बिल्डिंग को वो दिल्ली से लेकर आए थे, और वहाँ से लाने के बाद यहाँ पर इसको शिफ्ट किया था और पूरा जो है इसको यहाँ पर असेंबल कर दिया था। और बताया जाता है कि मुगलों का उस टाइम का मदरसा हुआ करता था उनके बच्चों का, तो इस मदरसे को दिल्ली से लाकर यहाँ पर असेंबल किया गया था। और आपको ये सुनने में यकीन नहीं आ रहा होगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है कैसे शिफ्ट की जा सकती है, बिल्डिंग पूरी की पूरी लाकर यहाँ पर। तो उसकी मैं बताता हूँ कि उसको किस तरह शिफ्ट किया गया था। तो आइए मैं समझाता हूँ आगे इसको किस तरह शिफ्ट किया गया था। और इसे अभी कहते हैं सूरज भवन, इसका नाम रख दिया गया सूरज भवन, लेकिन बताया जाता है पहले जो था ये मुगलों के बच्चों का मदरसा हुआ करता था। तो आइए मैं समझाता हूँ कि इसको किस तरह से लाया गया था यहाँ पर। असेंबलिंग अगर आप देखोगे तो जैसे ये पूरे पीसीस है, ये पीसीस पे क्या था नंबर डाले गए 1 2 3 4 इस तरह से पूरे पीसीस पर नंबर डाले गए। उसके बाद इसको वहाँ से उखाड़ा गया, उसके बाद उन्हीं नंबरिंग के हिसाब से इसको यहाँ लाकर असेंबल कर दिया गया। और ये देख रहे हो आप, ये देखो ये कीले लगे हुए हैं, ये देखो पिन के लगे हुए हैं, ये पिन ये इसकी निशानी है कि इसको असेंबल किया गया था इंटरलॉक के थ्रू। क्योंकि आप लाल किले के अंदर जाओगे या आगरा किले के अंदर जाओगे तो वहाँ पर भी इंटरलॉक सिस्टम है इनके अंदर, लेकिन ये चीज़ें ऊपर की तरफ दिखाई नहीं देती हैं। ये जो है दोबारा असेंबल किया गया है, तो इसीलिए ये चीज़ें इसकी आपको दोबारा दिखाई देंगी। आप पूरे इसके ऊपर देखोगे, ऊपर भी आपको जगह जगह पर ये फिर यह पिन अप हुआ दिखाई देगा, पिन लगे हुए दिखाई देंगे, जिससे फील होता है कि ये जो था इंटरलॉक सिस्टम है और यहाँ पर ये दोबारा से असेंबल किया गया है। पहले जो प्लेस बनाए जाते थे इंटरलॉक के थ्रू बनाए जाते थे, मतलब पत्थरों को आपस में ऐसे फिक्स करके जोड़ा जाता था, तो उनको उसी तरह से वहाँ से निकाला। उसको निकालने के बाद फिर यहाँ पर इंटरलॉक के थ्रू असेंबल कर दिया गया। तो ये देखिए ये पूरा था
मदरसा मुगलों के बच्चों का, और इसको लेकर आए थे महाराजा जवाहर सिंह जब उन्होंने दिल्ली पर हमला किया था। उसके बाद इस बिल्डिंग को वहां से लेकर आए थे और यहाँ पर पूरी इस बिल्डिंग को शिफ्ट कर दी थी। आप ये देखिए, देखने से भी आपको लग ही रहा होगा इसकी फूल पत्ती और डिजाइनिंग। ये पूरी जो डिजाइनिंग है देखो, मुगल आर्किटेक्चर की निशानी है। मुगलों की तरह ही ये पूरी बनी हुई है। आप दिल्ली के किले के अंदर और आगरे के किले के अंदर देखोगे तो इस तरह की पूरी डिजाइनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यही पहचान है कि ये जो बिल्डिंग थी पूरी दिल्ली से शिफ्ट की गई थी यहाँ पर असेंबल कर। तो देखिए दोस्तों, आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो पूरा मदरसा था जो मैंने आपको अभी दिखाया, जिसको दिल्ली से शिफ्ट किया गया था यहाँ पर। और इसके अगर दूसरी तरफ आप देखोगे, इसी के इस साइड में देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम इसी तरह का आर्किटेक्चर, इसी तरह की बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन वो जो वाली बिल्डिंग जो थी वो पूरे प्योर संगमरमर से बनी हुई है, और जो बिल्डिंग है ये लाइमस्टोन से बनी हुई है। तो ये इस जगह को बैलेंस करने के लिए बनाई गई थी दोनों तरफ एक तरह से बिल्डिंग। पहले उसको लाया गया था दिल्ली से, उसको यहाँ पर असेंबल किया गया था इस वाली बिल्डिंग को ये आप देख रहे हैं, और उसके बाद जो है ये लाइमस्टोन वाली बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग बनाई गई थी सेम इसी तरीके से इस जगह को बैलेंस करने के लिए। और ये पूरे फाउंटेन उसी तरह से लगे हुए हैं जैसे मुगलों की चार बैक शैली होती थी। और मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला पैलेस। डीक प्लेस के अंदर जब भी राजा आते थे, वेलकम का, स्वागत का कोई भी प्रोग्राम करना होता था तो उस प्रोग्राम को जो अटेंड किया करती थी दासिया किया करती थी, और फिर दासिया जो है इस पैलेस के पूरे प्लेस के अंदर रहा करती थी और यहीं पर अपना पूरा प्रोग्राम वो किया करती थी। पैलेस के अंदर राजा रहा करते थे, इसलिए प्लेस इतना प्यारा बना हुआ है, इतना खूबसूरत बना हुआ है। फिर इसको दे दिया गया राजाओं के दासियों के लिए, उसके बाद इसके अंदर जो रहा करती थी राजा की दासियाँ रहा करती थी। और इसके अंदर ये पूरा ये फाउंटेन सिस्टम है अंडरग्राउंड, यहाँ पर पाइपलाइन है, पूरे प्लेस के अंदर यहाँ पर पानी आता है और सारे प्लेस के अंदर यहाँ पर फाउंटेन चलाए जाते हैं कलरफुल। यहाँ पर गोपाल सागर और रूप सागर दो सागर हैं, और ये दोनों सागर जो है अटैच है एक दूसरे से, इस पैलेस के नीचे से कनेक्टेड है। तो ये है गोपाल सागर जो आप देख रहे हो, और ये है सावन मंडप। राजा जो थे यहाँ पर सावन के टाइम में आके बैठा करते थे, और इसकी जो एक मंजिल है वो पानी के नीचे है, और जो पूरी बिल्डिंग है ऊपर है। और ये जो है लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन जो था पानी के अंदर जितना रहेगा उतना मजबूत होता है, और पानी से बाहर रहने के बाद ये जो है तिड़कने लगता है, टूटने लगता है, तो इसकी एज कम होने लगती है। तो आइए मैं आपको आगे से दिखाता हूँ सावन भवन, अगर इसे बोला जाए तो यहाँ पर भवन नाम यूज़ होता है, तो ये सारे सावन भवन है। और वो जो है गोपाल भवन आप देख रहे हो, ये गोपाल भवन है। तो अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ का 200 साल पुराना गीजर सिस्टम कि यहाँ पर पानी जो था कैसे गर्म किया जाता था। आइए तो देखिए दोस्तों, ये है यहाँ का पानी गर्म करने की टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखिए, ये है यहाँ का गीजर सिस्टम। 200 साल पहले यहाँ पर भट्टी के अंदर कोयले जलाए जाते थे, उसके अंदर इस बॉयलर के अंदर पानी गर्म होता था। बॉयलर में पानी गर्म करने के बाद ये ऊपर जाता था पाइप के थ्रू, और उसके बाद ये वॉशरूम के अंदर, राजाओं के वॉशरूम वगैरह के अंदर यूज़ होता था। और इस तरह के यहाँ पर दो गीजर सिस्टम लगे हुए हैं, एक इस साइड में और एक दूसरी साइड में। तो आज ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे से। दोस्तों ये है भोपाल भवन, और ये था राजा का रेजिडेंट। इसके अंदर जो है फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, यहाँ से जो है फोटोग्राफी बंद है, अंदर जाके फोटोग्राफी नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसके अंदर गया था, अंदर जाने के बाद क्या है, यहाँ पर राजाओं के जो फर्नीचर हैं वो रखे हुए हैं, और बहुत सारे खाने के आइटम रखे हुए हैं, और जो रहने के बिस्तर वगैरह भी, बेड वगैरह भी इसके अंदर ही है। और इसकी खासियत क्या है कि जो अगर पीछे से देखोगे इस भवन को, तो पीछे से देखोगे तो ये चार मंजिल का दिखाई देगा, और दोनों साइड में देखोगे तो डुअल मंजिल का दिखाई देगा, और सामने से इसे देखोगे तो ये जो है एक मंजिल का दिखाई देगा। तो ये पूरा भोपाल भवन जहाँ पे राजा का रेसिडेंस था, राजा यहीं पर आ करते थे। आपको उस साइड में दिखाया वो था सावन भवन, और ये है भादो भवन। तो राजा यहाँ पर दो मौसम में आया करते थे, सावन और भादो के मौसम में यहाँ पर बैठकर मौसम का आनंद लिया करते थे। और ये देख रहे हो, ये भी इसी तरह से प्लेस बना हुआ है, इसकी भी एक मंजिल जो है पानी के नीचे है, और ये पूरी बिल्डिंग जो है लाइमस्टोन से ही बनाई गई है। और जो आप देख रहे हो वो है भोपाल भवन, भोपाल भवन के दूसरी साइड में बना हुआ है सावन भवन, और यह है भादो भवन। ये दोनों सेम प्लेस बना हुआ है एक तरह से। और ये जो पूरा है, ये है गोपाल सागर जो आप देख रहे हैं, और गोपाल सागर और रूप सागर दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, और दोनों ये पैलेस के नीचे से ही कनेक्टेड हैं। इसके नीचे से पानी का रास्ता है, पानी के रास्ते से अंदर से ये कनेक्टेड है। जब गोपाल सागर फुल भर जाता है तो उसके बाद इसका पानी जो है रूप सागर की तरफ चला जाता है, और जब रूप सागर फुल हो जाता है तो उसके बाद जो डी का फोर्ट है उसके बाद ये जो पानी है किले की तरफ निकल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरे पैलेस के अंदर 2000 फाउंटेन हैं, और 2000 फाउंटेन एक साथ चलाए जा सकते हैं आज भी। आए भी साल में दो बार वो चलाए जाते हैं, और उन सारे फव्वारों को चलाने के लिए जो आप पूरी वॉल देख रहे हैं ये पूरा एक टैंक है, और इसके अंदर आता है 6 लाख गैलन पानी। और उस टाइम में क्या था, पुराने टाइम में कि बैलों के थ्रू जो रहट सिस्टम था, रहट के थ्रू पानी ऊपर चढ़ाया जाता था जानवरों से, उसके ऊपर फिर ये टैंक भरने के बाद महीनों में जाके ये टैंक भरता था। अब तो मोटर सिस्टम आ गया, मोटर से भर देते हैं पानी को। लेकिन इसके अंदर क्या था कि पूरे फव्वारों का जो सिस्टम है इसी के अंदर है, जितने भी लाइन है इसी के अंदर पूरी लाइन लगी हुई है। उसके अंदर क्या होता था, जब पहले इसके अंदर पानी भरा जाता था, पानी भरने के बाद इसके अंदर 20-25 आदमियों को एक साथ कुदाया जाता था, और कुदाने के बाद जो पाइप के अंदर डाट लगी होती थी, ढक्कन नहीं डाट, जैसे आपने शैंपेन की बोतल के ऊपर देखी हुई डाट लगी हुई, इस तरह लकड़ी की डाट होती थी, वो डाटें इन पाइपों के अंदर होती थी। तो वो सारे लोग नंबर वाइज डाटों को निकालते थे, जिस नंबर के डाट को निकालना है उसी साइड के फव्वारे चलते थे। और उसके बाद जो ऊपर से लोग होते थे बैठे हुए, वो उन्हें कलर की पुड़ियाँ देते थे, कलर
तो वो उन पाइपों के अंदर कलर डालते रहते थे, घोलते रहते थे। उन कलर घोलने से क्या होता था कि अलग अलग जगह के फुहारे, अलग अलग पाइप से जो जुड़े होते थे वो फुहारे अलग अलग कलर का पानी बाहर फेंका करते थे, जिससे पूरे डीक प्लेस में सारे फुहारे अलग अलग कलर से चला करते थे और ये जो पूरा डिक पहले से अलग अलग कलर के पानी से खूबसूरत व्यू दिखाया करता था। और ये जो ये रास्ता जो है, देखो ये टैंक की तरफ जा रहा है, ये पानी के ऊपर टैंक की तरफ है, ये पूरा टैंक का रास्ता है। और उधर से आप देखोगे ऊपर से तो सारे फाउंटेन आपको एक साथ नजर आएंगे। और ये जो पूरा पैलेस है, ये पैलेस जो बना हुआ है, ये मुगल शैली से बहुत प्रभावित थे राजा सूर्यमल जाट जो थे, जिन्होंने इस पैलेस को बनाया था। तो उन्होंने इसको पूरी चारबाग शैली की तरह उसी तरह से बनाया गया है जैसे मुगलों के पैलेस बने होते हैं। जैसे मैंने बताया, देखो ये टैंक है पूरा, और ये देखिए ये पाइप आए हुए हैं, इसमें बहुत सारे पाइप आए हुए हैं। इसके अंदर जो है पूरा 6 लाख गैलन पानी आता है और आज ये पूरा ये वर्किंग में है, वर्क करते हैं पूरी चीज़ें। देखिए दोस्तों, ये जो आप पिंजरा देख रहे हैं, ये इस पिंजरे के अंदर रहा करता था यहाँ पर शेर, यहाँ पर शेर बांध के रहा करते थे इस पिंजरे के अंदर, जिससे यहाँ के आने वाले लोगों को दिख सके। और इसके पीछे जो लगाया जाता था, शटर लगाया जाता था पत्थर का। चलिए मैं दिखाता हूँ किस तरह से शेर यहाँ पर बांधा करते थे। इधर से आएंगे ऐसे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको इस तरह से दिखाई देगा ये पिंजरा। यहाँ पर होता था गेट, उसको यहाँ पर लगा दिया जाता था। ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको गैप भी दिखाई देंगे इसके, ये देख रहे हो, ये देखो ये गैप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लगाया जाता था गेट, और ये था पूरा पिंजरा शेर का। यहाँ पर शेर को बांध के रखा जाता था इस जगह पर, और सामने से उसको पब्लिक देख सकती थी। तो यहाँ से ये दिखाने के लिए इस जगह पर शेर को रखा जाता था इस पिंजरे के अंदर। जो है सामने किशन भवन है, और इसके अंदर जो आप देख रहे हो अंदर वाले हिस्से में लगा करता था दीवाने खास, और जो बाहर का हिस्सा देख रहे हो यहाँ लगा करता था दीवाने आम। यहाँ पर सभा लगा करती थी राजा की। ये वाला जो देख रहे हैं आप तख्त, यहाँ पर राजा बैठा करते थे और जनता की यहाँ से प्रोग्राम सुना करते थे इस जगह पर जो बैठी होती थी। और ये देख रहे हो ऊपर इसके कड़े, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी आपको ये वाले कड़े दिखाई देंगे। देखो ये वाले कड़े, ये देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता था, गर्मियों के मौसम में या बरसात के मौसम में इस जगह पर टेंट लगा दिया जाता था, जिससे जो पब्लिक आने वाली होती थी उस टेंट के अंदर बैठकर आराम से बात कर सके अपने राजा से। और ये सामने जो है तखर लगा हुआ है, यहाँ पर राजा का लगाया जाता था सिंहासन। सिंहासन के ऊपर बैठकर राजा आम पब्लिक की बात सुना करते थे। और अंदर वाला जो हिस्सा देख रहे हो वो वहाँ पर वीडियोग्राफी बना है, तो वहाँ पर जो था अंदर जो है राजा का दीवाने खास लगा करता था। जो खास मंत्रीगण होते थे, जो उनके करीबी लोग होते थे, वो अंदर बैठ कर राजा के साथ मीटिंग किया करते थे। तो वो है दीवाने खास और ये बाहर है दीवाने आम। तो अभी हम चलते हैं उधर, उधर से देखते हैं उधर क्या क्या बना हुआ है। कहता है नंद भवन, और इसके अंदर जो थे महाराजा बैठा करते थे। उसके अंदर जो है एक अखाड़ा बना हुआ है उसी टाइम का, राजाओं के टाइम का, जो 150-200 साल पुराना बनाया जाता है मिट्टी का, और प्रॉपर तरीके से वो बनाया गया था। और इसके अंदर जो थे राजा पहलवानी खुद भी करते थे और लोगों को, लड़कों को तैयार भी करते थे पहलवानी के लिए। और जब पहलवानी करने के बाद वहाँ से बाहर आते थे तो लोग मिट्टी में हो जाते थे पहलवानी करने के बाद। जैसे आप देख जानते हो आम तरह से लोग पहलवानी करने के बाद मिट्टी में जब हो जाते हैं तो उसके बाद नहाते हैं। तो नहाने के लिए देखो ये वाला जो कुंड है ये उस टाइम का स्विमिंग पूल है, आप जो देख रहे हो। तो अंदर से अंदर अखाड़ा चलता था, अखाड़े में कुश्ती होती थी। कुश्ती करने के बाद यहाँ पर जो था आने के बाद यहाँ पर नहाते थे, ये पूरा स्विमिंग पूल है। और यहाँ पर नहाने के बाद वो फ्रेश हो जाते थे, फ्रेश होने के बाद आपका अपना काम वगैरह जो भी था वो कर सकते थे। और देखो यहाँ से भी पूरा ये इस तरह से ही डीप प्लेस दिखाई देता है। यहाँ देखो कितना सुंदर नज़र आता था फवारों का, यहाँ से देखिए कितना सुंदर नज़र आता है। और ये जो है मुगलों से इंस्पायर है, राजा सूर्यमल जाट जो थे उन्होंने इसको बनाया था, और वो जो थे मुगल के स्ट्रक्चर से इंस्पायर थे। तो ये था मुगल शैली के हिसाब से ही बनाया गया है। आप ये देखोगे देखने के बाद आपको ऐसे ही लगेगा ये, जिसे मुगलों के भवनों के अंदर चारबाग शैली का यूज़ होता था, तो उसी तरह से ये पूरी चारबाग शैली के आधार पर ही बनाया गया है पूरा डीक पैलेस। उसके अंदर फाउंटेन भी उसी तरह से लगाए गए हैं। लेकिन जब ये डीक पैलेस बनाया गया था उस टाइम पे जो पाइप वगैरह था वो आ गए थे, तो इनके अंदर जो थे मेटल के पाइप यूज़ होते हैं, और पूरी इसके अंदर पाइपलाइन ही पड़ी हुई है, जो अष्ट धातु के मेटल के पाइप बताए जाते हैं कि 8 धातु से मिक्स करके इन पाइपों को बनाया गया था। और इस पूरे पैलेस के अंदर उनकी पाइपलाइन बिछाई गई थी, उन्हीं पाइपलाइन के थ्रू इन फव्वारों के अंदर पानी चलाया जाता है। ये जो है दिवाली के टाइम पर, होली के टाइम पर भी चलाए जाते हैं ऐसा सुना है मैंने। और ये जो है अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, इसमें आज भी अलग अलग तरह का कलर मिक्स करके चलाया जाता है। और ये जो है रंगीन फुहारे हैं, हर फुहारों के अंदर जो है अलग अलग सेटअप है, और अलग अलग लाइन के फुहारों के अंदर अलग अलग कलर यूज़ किया जाता था, तो उसी लिए अलग अलग कलर से ये फुहारे चला करते हैं।